हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका आईए एसपीएससी सॉल्यूशन में। देखिए, 64वीं बीपीएससी और बिहार एसएससी को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट का सीरीज हमारा चल रहा है। पहला प्रैक्टिस सेट मैंने कल अपलोड किया था। इसका बहुत ही अच्छा रिस्पांस आप लोगों ने दिया। आप लोगों ने कमेंट करके बताया कि बहुत ही अच्छा सेट था। दूसरा, ये जो हमारा सेट है वो पहले से भी बेहतर है। तो जैसे जैसे हमारा प्रैक्टिस सेट आगे बढ़ते जाएगा, थोड़ा सा टफ में क्वेश्चन इंक्लूड करते जाऊंगा और बेहतर क्वेश्चन इंक्लूड करते जाऊंगा। तो देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें टोटल 100 प्रश्न सेलेक्ट किए गए हैं और इसमें मैं कोई एक्सप्लेन नहीं करूंगा। ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आपने कितनी तैयारी की है, कितना आपका सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, कहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है, ये सब चीज़ें आप खुद को जांच सके कि कहाँ पे अभी कमी है। तो इसलिए ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इसमें टोटल 100 प्रश्न है और समय जो है वो ज़्यादा लग जाता है। इसमें लगभग 40-45 मिनट से ऊपर का समय लग जाता है। तो इसमें भी कई लोग बोलते हैं कि थोड़ा समय कम कीजिए। तो समय कैसे कम करें, 100 प्रश्न है और सिर्फ क्वेश्चन आंसर को पढ़ते नहीं जाना है, जो कि मैं बहुत ही फास्ट करता हूँ, पढ़ते जाता हूँ सिर्फ, फिर भी 40-45 मिनट का समय लग जाता है। तो आप यदि चाहते हैं कि मैं क्वेश्चन को कम कर दूँ, अगर 50 प्रश्न कर दूँ, तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आप चाहते हैं कि नहीं ठीक है, 100 प्रश्न ही ठीक है, तो भी आप कमेंट में ज़रूर बताइए। अपना अपना सजेशन जो है वो कमेंट में दीजिए, क्या 50 प्रश्न होना चाहिए या 100 प्रश्न होनी चाहिए। ओके, और एक चीज़ और, आपका कितना 100 में स्कोर हो रहा है ये कमेंट में जरूर बताइएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से आपको अगर 100 में आप 50 ला रहे हो और आप कमेंट में नहीं बताना चाहते, तो देखिए इससे कोई दिक्कत नहीं है। कमेंट में बताने से अगर किसी का 90 आ रहा है, आपका 50 आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। धीरे धीरे जो है ये इम्प्रूव हो जाएगा। आपको कुछ भी हेसिटेशन आपके मन में नहीं होना चाहिए इसके लिए। तो आप लोग कमेंट में स्कोर जरूर बताएंगे और वीडियो को अंत तक जरूर देखेंगे। एक एक प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। शुरू करने से पहले एक चीज़ बताना चाहता हूँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। देखिए, पहला प्रश्न है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रशासन भारत में कब समाप्त हुआ? जो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसका प्रशासन जो है, एडमिनिस्ट्रेशन जो है, वो कब समाप्त हो गया था भारत में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। देखिए यहाँ पे दो दिया हुआ है तो मैं बी भी पढ़ूंगा, तो आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। 1858 ईस्वी में इनका जो प्रशासन है वो समाप्त हो गया था। 1857 की जब क्रांति हुई, तो इसके बाद जो है इनका प्रशासन भारत में कम होने लगा, समाप्त हो गया। ओके, देखिए हिस्ट्री का जो भी प्रश्न है वो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में अंग्रेजी सेना के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई? हिस्ट्री में मैं ये बता चुका हूँ, टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, किसके साथ ये लड़ा था? देखिए इसका सही जो आंसर है वो है लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, लॉर्ड बेलेजली के साथ लड़ते हुए टीपू सुल्तान शहीद हुआ था, इसकी मृत्यु हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, वांडेवास का युद्ध किनके बीच लड़ा गया? ये भी मैं हिस्ट्री में बता चुका हूँ, हिस्ट्री का जो हमारा स्पेशल सीरीज आ रहा है। और सॉरी, देखिए इसके बाद, इस टेस्ट के बाद जस्ट 1 से 2 घंटे के बाद आपको हिस्ट्री का गांधी युग से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ और बाकी पिछले 12-13 शायद वीडियो आ चुके हैं मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा वो गांधी युग से संबंधित होगा। ओके, तो इसके जस्ट बाद 1-2 घंटे बाद आपको मिल जाएगा वो वीडियो। देखिए बांडीवास का युद्ध जो है वो किनके किनके बीच लड़ा गया था, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अंग्रेज और फ्रांसीसियों के बीच लड़ा गया था बांडीवास का युद्ध। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, नील दर्पण का रचयिता कौन था? नील दर्पण किसके द्वारा लिखा गया है, ये पूछा जा रहा है। और एक चीज़ और आपको बताना चाहता हूँ कि आप यदि मोबाइल में इस वीडियो को देख रहे हैं तो मोबाइल को आप फुल स्क्रीन जरूर कर लेंगे। ओके, फुल स्क्रीन करके आप इसको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। देखिए नील दर्पण का के रचयिता जो है वो हैं दीन बंधु मित्र। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा, नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला साप्ताहिक बंगाली समाचार पत्र समाचार दर्पण
प्रकाशित किया गया था। समाचार दर्पण जो है वो किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है मार्क्समैन द्वारा। मार्क्समैन ने समाचार दर्पण प्रकाशित किया था, ये बंगाली समाचार पत्र था। तो यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है कि क्या ये कौन से लैंग्वेज का ये समाचार पत्र था। इसके बाद है निम्नलिखित पेशवाओं में से कौन नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। इनमें से कौन से पेशवा थे वो नाना साहब के नाम से प्रसिद्ध थे। ये थे बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव पेशवा इनको कहा जाता था। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 लाने के लिए कौन उत्तरदायी था। और इसका पीडीएफ जो है, पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा या फिर टेलीग्राम ग्रुप से आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 किसने लाया था ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है लॉर्ड लिटन। ओके लॉर्ड लिटन। चलिए नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से अकूत संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त अधिकृत किया था। देखिए काफी महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी देवगिरी से। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था। काफी महत्वपूर्ण है एंशियंट हिस्ट्री से ये। गौतम बुद्ध के समकालीन कौन कौन से किंग थे काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है वर्धमान महावीर। निम्नलिखित में से कौन गौतम बुद्ध का समकालीन था ये थे वर्धमान महावीर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1 मिनट। इसके बाद है जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया तो दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का कौन शासक था। जब बाबर ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का कौन सा शासक था। काफी महत्वपूर्ण है ये। देखिए इसका सही आंसर है कृष्णदेव राय उस समय विजयनगर साम्राज्य के राजा थे, शासक थे, जब बाबर ने भारत के ऊपर आक्रमण किया था। और देखिए मैं कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछते चलूंगा, बीच-बीच में उसका आपको जवाब भी देते जाना होगा। ओके चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन चंगेज खां का समकालीन था। चंगेज खां का समकालीन इनमें से कौन था। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चंगेज खां का समकालीन था। इसके बाद नेक्स्ट है दारा शिकोह ने निम्नलिखित में से किस युद्ध में औरंगजेब से उत्तराधिकार की लड़ाई अंतिम रूप से हारी। दारा शिकोह हार गया था औरंगजेब से। कहाँ पे ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सामुगढ़। ओके सामुगढ़ में। इसके बाद है नीलगिरी पहाड़ियों की सर्वोच्च चोटी का क्या नाम है। ये मैं ज्योग्राफी में बता चुका हूँ, जो हमारा ज्योग्राफी का स्पेशल सीरीज चल रहा है। नीलगिरी पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी पूछी जा रही है यहाँ पे कौन सी है। देखिए इसका सही आंसर है अनाई मुड्डी। अनाई मुड्डी यहाँ पे लिखा हुआ है, कहीं कहीं पे अनाई मुड्डी भी दिया हुआ रहता है ऐसे करके भी, तो ये भी आपको याद रखनी है। अनाई मुड्डी नीलगिरी पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है और यहीं पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट जो है वो मिलते हैं। ये प्रश्न पूछा गया था बीपीएससी में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसके बाद है ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्टिकल फाइबर किस थ्योरी पे, किस सिद्धांत पर कार्य करता है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। आपने लाइट में फिजिक्स में पढ़ा होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ये जो है ऑप्टिकल फाइबर, सॉरी ऑप्टिकल फाइबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पे कार्य करता है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। भारतीय पर्यावरण अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1956।
छियासी में, 1986 में ये पारित हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि चार गुब्बारों ए बी सी और डी को क्रमशः, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ए में ये जो ए गुब्बारा है इसमें हाइड्रोजन है, बी में ऑक्सीजन है, सी में हीलियम है और डी में नाइट्रोजन है। ओके, अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है ये गैसों से भरे हुए हैं और हवा में छोड़ दिया जाए तो कौन सा गुब्बारा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर पहुंचेगा। इनमें से कौन सा गुब्बारा जो है वो पृथ्वी से सबसे ऊंची दूरी पर जाएगा। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ए हाइड्रोजन। ओके हाइड्रोजन, ओके तो ये आपको याद रखनी है क्योंकि ये जो है वो काफी हल्की गैस होती है। इसके बाद है महाबोधि मंदिर परिसर जो भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित चार पवित्र स्थलों में से एक है कहाँ स्थित है। ये है बिहार में। ये तो काफी इजी क्वेश्चन था, इससे इजी तो क्वेश्चन इसमें नहीं हो सकता है। ओके अब नेक्स्ट है, यहाँ पे खाली स्थान दिया हुआ है और बताना है कि इसमें स्थित माउंट सेंट हेलेंस एक सक्रिय स्टेटो ज्वालामुखी है, कहाँ पे है ये आपको बतानी है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित माउंट सेंट हेलेंस है जो एक सक्रिय स्टेटो ज्वालामुखी है, एक्टिव वोल्केनो है ये। ओके एक्टिव वोल्केनो। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। भारत में के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को संविधान की किस अनुसूची में सूचीबद्ध किया गया है। काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और पॉलिटी से ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है, पॉलिटी से ज्यादा टफ प्रश्न नहीं पूछा जाता है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। नेक्स्ट है, विंडोज बेस्ट कंप्यूटर में दो फाइलें एक ही फोल्डर में नहीं हो सकती है यदि, देखिए ये कंप्यूटर से रिलेटेड है, साइंस से रिलेटेड, खैर कंप्यूटर से क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है बीपीएससी में। देखिए इसका सही आंसर है उनके नाम समान हो और फाइल टाइप भी समान हो, मतलब कि अगर पीडीएफ है और पीडीएफ का नाम है टेस्ट, ओके और दोनों पीडीएफ है और दोनों का नाम टेस्ट ही है तो एक जगह पे ये नहीं रह सकते हैं। अगर एक पीडीएफ है और टेस्ट नाम से इसका इस फाइल का नाम है टेस्ट और एक जेपीजी फॉर्मेट में है फोटो है और इसका भी नाम है टेस्ट तो ये रह सकते हैं क्योंकि ये जो है वो दो गुण वाले हैं। ओके लेकिन एक ही गुण वाले अगर व्यक्ति आ जाएं एक साथ तो ये दोनों एक साथ नहीं रह सकते हैं, बस ये आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट है, गांधार कला बौद्ध दर्शन कला की शैली जो एक शताब्दी ईसा पूर्व और 7वीं शताब्दी ईसा के मध्य विकसित हुई थी, राजवंश के दौरान समृद्ध हुई, किस राजवंश के दौरान जो है वो ये फेमस हुई है ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है कुषाण। ओके कुषाण। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, थोड़ा सा फास्ट में चलूंगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन मोनोसैकेराइड शर्करा का एक रूप नहीं है। ये साइंस का क्वेश्चन है और काफी महत्वपूर्ण है। इसका सही आंसर है माल्टोज। यूनिटार का विस्तारित रूप है, मतलब कि UNITAR, इसका फुल फॉर्म क्या है ये पूछा जा रहा है। थोड़ा सा इसको नीचे करता हूँ, स्क्रॉल करता हूँ। देखिए इसका सही जो आंसर है 23 क्वेश्चन नंबर, इसका सही आंसर है यूनाइटेड नेशंस इंस्टीट्यूट फॉर ट्रेनिंग एंड रिसर्च। तो इस तरह के क्वेश्चन बिहार एसएससी में पूछे जाएंगे। ओके बीपीएससी में इस तरह का प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। इसके बाद है, एक भूस्थिर उपग्रह लगभग 35,790 किलोमीटर की ऊंचाई से पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करने में कितना समय लेता है। 24 क्वेश्चन नंबर है, इसका सही आंसर है 1 मिनट, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 24 घंटे, 24 घंटे। नेक्स्ट है,
नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ये भी मैं बता चुका हूँ ज्योग्राफी में आपको। ज्योग्राफी में मैंने बताया है नंदा देवी पर्वत चोटी जो है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, ये उत्तराखंड, या पुराना जो किताब है उसमें उत्तरांचल दिया हुआ होता है। ओके, तो ये उत्तराखंड में है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है? इनमें से जो फेस्टिवल है इसमें क्या समानता है? देखिए मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी, बैसाखी। अब इनमें जो है वो क्या समानता है ये आपको बतानी है। देखिए ये जो है ये सभी फसल काटने से संबंधित त्योहार के नाम है। मकर संक्रांति भी फसल कटने के समय, पोंगल भी फसल कटने के समय ये मनाया जाता है, लोहड़ी भी और बैसाखी भी। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, एक तरल बूंद अपने कणों के आकर्षण के कारण संकुचित होती है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र को अधिकृत करती है, यह घटना क्या कहलाती है? ये जो तरल बूंद है अपने जो कण है उसको उसके आकर्षण के कारण संकुचित होता है और सबसे छोटे संभावित क्षेत्र को अधिकृत करता है, ये क्या कहलाता है? 27, देखिए इसका सही जो आंसर है वो है पृष्ठ तनाव, ऑप्शन ए, सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन इसको बोला जाता है, पृष्ठ तनाव। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2008 के संदर्भ में भारतीय संविधान में किए गए प्रावधान के तहत भारत के सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अलावा अन्य न्यायाधीशों की संख्या से अधिक नहीं होनी चाहिए। कितने अधिक नहीं होने चाहिए ये आपको बतानी है। देखिए ये जो है ये 2008 का है, लेकिन अभी जो है एक लेटेस्ट डेटा आया है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, उसको हम लोग करंट अफेयर में डिस्कस करेंगे। ओके, तो इसको हम लोग छोड़ देते हैं। चलिए 29 है, निम्नलिखित में से किस देश ने विश्व के सबसे शक्तिशाली जीईओ स्पाई उपग्रह गैवोफिन 4 को लॉन्च किया है? विश्व के सबसे शक्तिशाली है ये, शक्तिशाली है ये। 29 का सही आंसर है ऑप्शन डी, चीन, चाइना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है? ये सब एसएससी लेवल का ये प्रश्न है, बिहार एसएससी लेवल का। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मूसा संहिता। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की मल्टी एप्लीकेशन सोलर टेलीस्कोप को सौर वेधशाला में परिचालित किया गया था, अब जगह जो है ये आपको बताना है। देखिए 31 का सही आंसर है ऑप्शन ए, उदयपुर, उदयपुर। ओके, ये है राजस्थान में। ओके, तो ये भी आपको याद रखनी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, बोम्बायला देवी लेसराम निम्नलिखित में से किस खेल में भारत का प्रतिनिधित्व करती हैं? 32, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, तीरंदाजी का। अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन रिज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? अभिनव भारत सोसाइटी ऑफ रिवॉल्यूशन रिज इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है? काफी महत्वपूर्ण है ये, थोड़ा सा इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ। देखिए 33 का सही आंसर है ऑप्शन बी, विनायक सावरकर। ओके नेक्स्ट है, यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित फिर से एक प्रश्न आ गया है, के द्वारा कंप्यूटर में फाइल टाइप को पहचाना जा सकता है? किसके द्वारा जो है जो फाइल टाइप है, किस टाइप का फाइल है उसको हम लोग पहचान सकते हैं? तो ये है इसका सही आंसर होगा फाइल एक्सटेंशन। जैसे ये मैं जो आपको फाइल दूंगा यहाँ पे, देखिए एक्सटेंशन यही होता है, आप यहाँ पे कॉर्नर पे आप देख सकते हो इसका नाम है प्रैक्टिस सेट 2। ठीक है, अब यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 लिखा हुआ है और डॉट लिखा हुआ है पीडीएफ, मतलब कि ये जो फाइल है ये पीडीएफ है, पीडीएफ फाइल है। डॉट के बाद यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसी को एक्सटेंशन बोला जाता है, मतलब कि ये पीडीएफ फाइल है। ऐसे हम लोग फाइल के एक्सटेंशन से पहचान सकते हैं। अगर फोटो हो तो फोटो जेपीजी में होता है, या जेपीजी में, या पीएनजी में होता है,
या जीआईएफ में होता है। ओके, तो ये सब जो है ये एक्सटेंशन है, इसको हम लोग कहते हैं एक्सटेंशन, और इसी से हम लोग फाइल की पहचान करते हैं कि ये किस टाइप का फाइल है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में स्वर्ण युग का प्रमाण है। भारत में कौन से धर्म, कौन धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है अजंता की गुफाएं। 35, देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बौद्ध धर्म। अजंता की गुफाओं की चित्रकला भारत में बौद्ध धर्म के स्वर्ण युग का प्रमाण है। इसके बाद नेक्स्ट है, कंप्यूटर के संदर्भ में GUI का क्या अर्थ है। GUI कंप्यूटर से, यहाँ पे लगभग 3-4 प्रश्न जो है वो अभी तक आ गया है। 36, देखिए इसका सही आंसर है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण है बीपीएससी के लिए भी, बीपीएससी के लिए काफी महत्वपूर्ण है। यदि पंचायत को भंग कर दिया जाता है तो चुनाव संपन्न हो जाने चाहिए। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है भंग होने की तारीख से 6 महीने की समय सीमा के अंदर, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की है। 38, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जे जे थॉमसन। ओके, जे जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरणों को वोल्टेज स्पाइक से बचाने हेतु निम्नलिखित में से किस उपकरण को डिजाइन किया गया है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सर्ज सर्ज प्रोटेक्टर का। ओके, 39। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है, भारतीय रेलवे का शुभंकर कौन सा है ये बताना है आपको। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है भोलू हाथी। ओके, भोलू हाथी जो है वो है रेलवे का शुभंकर, भारतीय रेलवे का जो मैस्कॉट है, मैस्कॉट वो है भोलू हाथी, तो ये आपको याद रखनी है, थोड़ा सा ये ओल्ड डेटा है। इसके बाद है, एक खाद्य श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता और द्वितीयक उपभोक्ता में क्या अंतर है। 41, देखिए 41 का सही आंसर है प्राथमिक उपभोक्ता केवल पौधों को खाते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता जो होते हैं वो सिर्फ पौधों को खाते हैं, जबकि द्वितीयक उपभोक्ता प्राथमिक उपभोक्ता को खाते हैं, द्वितीयक जो होता है वो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है। साइंस में जो है वो मैं इसके बारे में पूरा डिटेल्स में आपको बताऊंगा, काफी इजी है, कोई टफ नहीं है ये चीज। चलिए नेक्स्ट है 42, क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन कार्बन नेगेटिव बनाने वाला विश्व का पहला देश है। कार्बन नेगेटिव बनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है। 42 का सही आंसर है भूटान। ओके, भूटान। इसके बाद है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो संचार को संभव बनाती है, कौन सी वायुमंडल की परत है जिसमें रेडियो संचार को वो संभव बनाती है, मतलब कि रेडियो संचार उसमें है, उसी वायुमंडल परत में होती है। 43 का, देखिए 43 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, आयन मंडल में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार किसी न्यायाधीश को एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित करने हेतु किसे अधिकृत किया गया है। अब देखिए ये जो है ये तो आपका हो गया पॉलिटी से संबंधित, ठीक है, लेकिन मैं करंट अफेयर से एक प्रश्न आपसे पूछ देता हूं, आपको बताना है। देखिए अभी जो है वो पटना के मुख्य न्यायाधीश चेंज हो रहे हैं, पटना के मुख्य न्यायाधीश चेंज हो रहे हैं, अभी नए जो आने वाले हैं उनका नाम क्या है, ये इलाहाबाद हाईकोर्ट के हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के हैं ये। अब आपको बताना है इनका नाम क्या है जो नए आने वाले हैं, क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है बीपीएससी में। देखिए 44 का सही जो आंसर है वो है भारत के राष्ट्रपति। ओके, भारत के राष्ट्रपति। चलिए नेक्स्ट है, सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए,
सबसे बेहतर जो इसमें विकल्प है वो हम लोगों को चुनना है ऑप्शन में। देखिए सबसे पहले हम लोग पढ़ लेते हैं क्या कह रहा है ये। कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहते हैं, क्योंकि देखिए जो भी खाद्य पदार्थ है ज़्यादातर कोल्ड स्टोरेज में ही सुरक्षित रखा जाता है। जैसे आलू हो गया, तो आलू तो एक वर्ष तक जो है वो इसे रखा जाता है। अगर आप जनरल किसी रूम में अगर आलू को रख देते हैं 1 साल के लिए, तो वो जो है वो शायद महीने 2 महीने 3 महीने में ये सड़ने लगेगा। लेकिन इसको कोल्ड स्टोरेज में सुरक्षित रखने के लिए रखा जाता है। ओके, तो देखिए इसमें हम लोगों को चुनना है कि कोल्ड स्टोरेज में फल अधिक समय तक सुरक्षित रहता है क्यों, ये आपको बताना है। ओके 1 मिनट थोड़ा सा। देखिए इसका सही जो आंसर है 45, क्वेश्चन नंबर 45 का सही आंसर है ऑप्शन बी पेंटुल। फलों के श्वसन दर को कम कर दिया जाता है, फलों का जो श्वसन दर है इसको कम कर दिया जाता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सिपाही विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? सिपाही विद्रोह के दौरान कौन था भारत का गवर्नर जनरल, ये मैं बता चुका हूँ आपको 46 का। देखिए 46 का सही जो आंसर है वो है लॉर्ड कैनिंग। कैनिंग जो है वो उस समय गवर्नर जनरल था। चलिए इसके बाद है, 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? 800 से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा हुआ है? इसका सही आंसर है ब्राह्मण युग से। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, गायत्री मंत्र किस पुस्तक में लिखा मिलता है? किस में गायत्री मंत्र लिखा हुआ मिलता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी ऋग्वेद में। इसके बाद नेक्स्ट है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन है, काफी बार ये पूछा गया है प्रश्न। देखिए इसका सही आंसर है मखली घोषाल। ओके 49 इसका सही आंसर होगा मखली घोषाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर फैला हुआ था? पश्चिम भारत पे भी चंद्रगुप्त का प्रभाव था, ये हमें कहाँ से पता चलता है, किस अभिलेख से ये पता चलता है? देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख से ये हम लोगों को पता चलता है। उस स्रोत का नाम बतलाइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, उस सोर्स का नाम बताना है। देखिए इसका सही आंसर है मिलिंद पन्हो। नेक्स्ट है, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्भूत हुई? अछूत की अवधारणा जो है वो स्पष्ट रूप से दिखाई देती है, उद्भूत हुई है किस काल में? 52 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी उत्तर वैदिक काल में। ओके उत्तर वैदिक काल में। चलिए अगला है, देखिए ये प्रश्न काफी बार पूछा गया है। बारहमासा की रचना किसने की थी? बारहमासा की रचना किसके द्वारा की गई है? 53 का सही आंसर है मलिक मोहम्मद जायसी ने बारहमासा की रचना की है। नेक्स्ट है, पानीपत के युद्ध में बाबर के जीतने के का मुख्य कारण क्या था? पानीपत का युद्ध जो है वो बाबर ने जीता था। चलिए आप कमेंट में ये बताइए कि पानीपत का युद्ध जो है वो कब और किसके साथ हुआ था? बहुत इजी है, और 4 युद्ध लड़ा था बाबर ने। अब पानीपत का युद्ध जो है वो किसके साथ इसने लड़ा था और कब लड़ा था ये आपको बताना है। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है उसकी सैन्य जो है सैन्य कुशलता बहुत ही बेटर थी, बेहतर थी। चलिए नेक्स्ट है, जवाबित का संबंध किससे था? 55 देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए राज्य के कानून से। नेक्स्ट है, दो अस्पा सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? दो अस्पा सिंह अस्पा, ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है। ये जो प्रथा है वो किसके द्वारा शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी जहांगीर के द्वारा।
भारत में 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की थी? काफी महत्वपूर्ण है ये। 1612 में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री जो है वो कहाँ पे स्थापित की थी? देखिए इसका सही जो आंसर है वो है सूरत में। ओके सूरत। नेक्स्ट है, 1878 का वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द कर दिया था? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने रद्द किया था 1878 में? देखिए 58 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, लॉर्ड रिपन ने। गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण था। गदर क्रांति क्यों जो है वो छिड़ गया था? देखिए इसका सही आंसर है कामा गाता मारू। देखिए कोमा गाता मा घटना ये यहाँ पे दिया हुआ है, लेकिन ये जो है इसका सही आंसर होगा। थोड़ा सा इसमें मिस्टेक है, कामा गाटा मारू प्रकरण या घटना, ये एक नाव था, ये आपको याद रखनी है। इसके बारे में मैं डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट है, इंडियन अनरेस्ट के लेखक कौन थे? इसके बारे में मैंने जब हिस्ट्री का एक्सप्लेन किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था इंडिया अनरेस्ट के लेखक कौन हैं, तो ये हैं। इसका सही जो आंसर है 60 का वो है वेलेंटाइन सिरोल। ओके नेक्स्ट है, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा जिसने गांधी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था वह किस शहर में हुआ था? काफी महत्वपूर्ण है ये, 1920 की खिलाफत कमेटी की सभा। 61 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, इलाहाबाद में। नेक्स्ट है, नाई धोबी बंद सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में। अब यहाँ पे आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर है ये 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। ओके नाई धोबी बंद, इसके बारे में भी मैं हिस्ट्री में बता चुका हूँ आपको। ओके सामाजिक बायकॉट का एक स्वरूप था जो 1919 में किसानों द्वारा प्रतापगढ़ जिले में चलाया गया था। चलिए नेक्स्ट है, अपने किस कार्यकारिणी कमेटी में कांग्रेस ने भू स्वामित्व को समाप्त करने की नीति अपनाई? 63 का सही आंसर है ऑप्शन ए, कार्यकारिणी कमेटी 1937। इसके बाद नेक्स्ट है, गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा था? गांधी जी का चंपारण सत्याग्रह किससे जुड़ा है? 64 का सही आंसर है तिनकठिया। ओके तिनकठिया प्रणाली, इसके बारे में भी मैं बता चुका हूँ। एक बीघे में जो है 3 कट्ठे में नील की खेती करना आवश्यक था। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? इसके बारे में भी मैं पूरी डिटेल्स में आपको बता चुका हूँ, बरहिया ताल के बारे में भी। ये बिहार के मुंगेर में ये विरोध हुआ था, आंदोलन हुआ था। देखिए 65 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, बकासत भूमि की वापसी की मांग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई? पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? 66 का सही जो आंसर है वो है 1916 में। अब चलिए आप ये बताइए कि यहाँ पे पटना उच्च न्यायालय दिया हुआ है, पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कमेंट में आप बताइए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस नहीं है? इनमें से कौन जो है वो एक पौधा घर गैस नहीं है? काफी महत्वपूर्ण है 67 का। देखिए इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन डी, सल्फर डाइऑक्साइड। बाकी मीथेन, ओजोन और सीएफसी, ये तीनों जो है वो पौधा घर गैस है, बाकी ये जो है ऑप्शन डी ये नहीं है। नेक्स्ट है, एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, जो सामान्य शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघट्य होता है, कौन सा एसिड, ये आपको बतानी है। इस इनमें से आपको ऑप्शन में से बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर होगा अमोनिया क्लोराइड। इसके बाद नेक्स्ट है, आकाश नीला लगता है क्योंकि आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। 8वां क्लास का ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये। ओके देखिए 69 का इसका सही जो आंसर है वो है, लघु तरंग दीर्घ तरंगों की अपेक्षा वायुमंडल द्वारा अधिक प्रकीर्ण होती है। ओके प्रकीर्णन के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण आकाश जो है वो नीला दिखाई देता है। नेक्स्ट है,
निम्नलिखित में से कौन सा एक लवण जल में कठोरता का कारण है? कौन सा लवण है जो जल में कठोरता का कारण है? इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए, कैल्शियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है, कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलकर अगर छोड़ दें, कमरा में अगर आपके रूम में फ्रिज रखा हुआ है और इस फ्रिज को स्टार्ट चालू करके इस फ्रिज के गेट को, जो दरवाजा होता है उसको खोलकर छोड़ दें तो क्या होगा? देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है, आप अंततः कमरे को थोड़ा गर्म कर सकते हैं। मतलब कि हमारा जो रूम होगा, रूम का जो टेम्परेचर होगा वो थोड़ा सा हाई हो जाएगा, थोड़ा सा टेम्परेचर गर्म हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट है, परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है। परमाणु बम का सिद्धांत जो है वो किस पे आधारित है ये पूछा जा रहा है। इसका सही आंसर है नाभिकीय विखंडन पर, ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है, वायु क्या है? वायु जो है वो क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए, हवा जो है एक मिश्रण है, कई गैसों का मिश्रण है। ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट है 74, पारद धातु मिश्रण है। पारद जो धातु है, मेटल है, ये किसका मिश्रण है? देखिए, पारद जो है वो पारद युक्त मिश्र धातु होती है। ओके, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, जल से बाहर निकाल ली जाने पर मत्स्य मर जाती है, क्यों? मतलब कि मछली को अगर पानी से बाहर निकाल लेते हैं तो वो क्यों मर जाती है? 75, देखिए इसका सही आंसर है, वे श्वास नहीं ले पाती हैं। और ये श्वास लेती हैं जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है, इसके द्वारा ही ये श्वास लेती हैं मछलियां, गिल्स से। ओके, इसके बाद है, गुप्त काल में गंगा और यमुना नदियों की प्रसिद्ध मृण मूर्तियां कहाँ पाई गई हैं? गुप्त काल में ये पूछा जा रहा है। 76, देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अहिछत्र में। नेक्स्ट है, मनुष्य की खोपड़ी में कुल कितनी अस्थियां होती है? मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है ये पूछा जा रहा है। देखिए, 77 का सही आंसर है 8। खोपड़ियों में, मनुष्य की खोपड़ी में 8 हड्डियां होती है। नेक्स्ट है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। देखिए, जो मदर्स प्लांट है उसकी भांति पौधा मिलता है। इसका सही जो आंसर होगा 78 का, वो होगा इनमें से किसी से नहीं, ना बीजों से और ना काटा तना से। ओके, नेक्स्ट है, इंसुलिन प्राप्त होता है। 79, इंसुलिन प्राप्त होता है किससे? जो है वो इंसुलिन प्राप्त किया जा सकता है। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, बालसम पुष्प से। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है, मोपला किसान संघर्ष कहाँ हुआ? काफी महत्वपूर्ण है, मोपला विद्रोह कहाँ पे हुआ था? 80, देखिए इसका सही आंसर है मालाबार तट, और पिछले वीडियो में भी शायद इसके बारे में मैंने बताया था आपको। विकास का मुख्य कारक है, विकास डेवलपमेंट का मुख्य कारण क्या है ये है। इसका सही जो आंसर होगा वो होगा प्राकृतिक वरण, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट है, मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें, मृदा संरक्षण क्या है ये पूछा जा रहा है। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है, मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। मिट्टी को नुकसान से सुरक्षित करने के लिए मृदा संरक्षण किया जाता है, मृदा का बचाव किया जाता है। खैर, ये सब तो बहुत ही ज्यादा ईजी है प्रश्न। नेक्स्ट है, देखिए ये काफी महत्वपूर्ण है, औषधि शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? औषधि शैल जो चट्टान है, इसके बारे में अगर आप जानते हैं तो आपको बताना है कौन सही है, कौन गलत है ये पूछा जा रहा है, कौन सा कथन गलत है। देखिए, इसका सही जो आंसर है वो है, ये शैल जल में नहीं निर्मित हो सकती, बाकी ये वैसे शैल हैं जिनकी संरचना ताप तथा दाब पर निर्भर करती है। ठीक है, ये शैलें क्रिस्टलीय होती है, ये भी ठीक है, ये शैलें स्तरों में निक्षेपित है, ये भी ठीक है, ऑप्शन डी ये गलत होगा। ओके,
नेक्स्ट है शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है। शिवालिक शैल समूह जो है, शिवालिक शैल समूह, इसके दक्षिण में साउथ में भावर क्षेत्र किसका उदाहरण है? 84 का सही जो आंसर है वो है गिरिपादीय स्थिति का। नेक्स्ट है भारत विस्तृत है, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है 85 का। देखिए भारत जो है वो आपको बताना है विस्तृत है कितना अक्षांश और कितना देशांतर, ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही जो आंसर है, इसमें इसमें तो इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है, 85 का सही आंसर नहीं दिया हुआ है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चलिए आप यदि कमेंट में बता सकते हैं तो बता दीजिए इसका आंसर क्या होगा। ओके चलिए नेक्स्ट है भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है, इसका कारण क्या है? 86 का देखिए सही आंसर है स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान। नेक्स्ट है भीमकाय पांडा निम्नलिखित प्रसिद्ध संगठनों में से किसका शुभंकर है? ये जो संगठन है, कुछ संगठन है उसमें शुभंकर है भीमकाय पांडा, ये किसका शुभंकर है ये पूछा जा रहा है। 87 का सही आंसर है ऑप्शन ए विश्व वन्य जीव निधि अथवा प्राकृत हेतु विश्वव्यापी निधि WWF का ये शुभंकर है, मैस्कॉट है। इसके बाद है नकदी फसल से सम्मिलित नहीं है, इनमें से कौन है जो नकदी फसल नहीं है? ये है गेहूं, ऑप्शन डी इसका सही आंसर होगा गेहूं, बाकी गन्ना कपास और जूट ये नकदी फसल है। इसके बाद है साप रातें मेघाच्छिद रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है, क्यों? मतलब कि साफ अगर रात है, अगर बादलों वाली रात नहीं है तो बादलों वाली रात की अपेक्षा जो है वो साफ रात जो है वो ठंडी होती है, अगर बादल वाली रात है तो वो गर्म होती है, क्यों? इसका कारण क्या है ये बताना है आपको। यहाँ पे पूछा जा रहा है ठंडी क्यों होती है साफ रातें। 89 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन बी विकिरण के कारण। ओके विकिरण के कारण। चलिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक बलकृत रूप से बना औषधि सेल है? बलकृत रूप से बना एक औषधि सेल इनमें से कौन सा है? देखिए इसका सही आंसर है बालूकास्म। ओके ऑप्शन सी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा एक विषय 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के उपबंधों के अधीन भारत के संविधान की समवर्ती सूची में नहीं जोड़ा गया था? काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये 91 का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी रेलवे, रेलवे को नहीं जोड़ा गया था, बाकी परिवार नियोजन वन और शिक्षा इसको जो है वो जोड़ा गया था। भारतीय में लैंगिक लौकिक सार्वभौमिकता थोड़ा सा लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना आरंभ होती है। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना कहाँ से आरंभ होती है? देखिए 92 का सही जो आंसर है वो है हम भारत के लोग शब्द से। ओके हम भारत के लोग, और यहाँ से जो है ये स्टार्ट होता है। इसके बाद है भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन है, मौलिक अधिकार फंडामेंटल जो राइट है उसका वर्णन अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका 93 का सही जो आंसर है वो है ऑप्शन ए संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक, 12 से 35 तक। इसके बाद नेक्स्ट है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? ग्राम पंचायतों के बारे में ये पूछा जा रहा है। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अनुच्छेद 40, आर्टिकल 40। नेक्स्ट है एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित हैं, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श किससे वर्णित हैं, किसमें वर्णित है ये पूछा जा रहा है। 95 का सही आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। देखिए पॉलिटी से और हिस्ट्री से जो भी इसमें प्रश्न सिलेक्ट किया गया था वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ओके इसी टाइप के प्रश्न जो है वो पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है समुद्री जीव हवा के संपर्क के बिना जल में कैसे जीते हैं?
काफी महत्वपूर्ण है ये भी प्रश्न 96 का। देखिए 96 का सही जो आंसर है वो है वे जल में ऑक्सीजन लेते हैं। अभी जस्ट मैंने आपको बताया जल में जो घुला हुआ ऑक्सीजन होता है उसी को ये लोग लेते हैं। इसके बाद 97 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव शरीर में पेट दर्द का कारक है। मानव के शरीर में पेट दर्द होता है तो इसका कारण क्या है। 97 का सही आंसर है अम्ल, एसिड। ओके, इसके बाद है राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रीय नेशनल इमरजेंसी लगा सकता है, इसकी घोषणा कर सकता है। इसका सही जो आंसर है वो क्या होगा। देखिए इसका सही जो आंसर है 98 वो है ऑप्शन डी। देखिए पहला है हथियारबंद विद्रोह के आधार पर, ये ठीक है। बाहरी आक्रमण के आधार पर, ये भी बिल्कुल ठीक है। युद्ध के आधार पर, तीनों कारणों से ये जो है वो राष्ट्रीय आपात राष्ट्रपति लगा सकता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त तो वर्णित सभी कारणों के आधार पर। ओके, नेक्स्ट है योजना आयोग क्या है। योजना आयोग, देखिए यहां से प्रश्न जो है वो पूछा गया था, योजना आयोग क्या है 99 का। इसका सही जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, परामर्शदायी संस्था। ओके, ये एक परामर्शदायी संस्था है न कि ये मंत्रालय है। और योजना आयोग जो है इसी का नाम कर दिया गया है नीति आयोग। ओके, नीति आयोग। अब इसकी नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी आप कमेंट में बताएंगे। प्रधानमंत्री जो होता है इसका अध्यक्ष होता है नीति आयोग का। नेक्स्ट है विभाजन के कारण भारत का कौन सा उद्योग सबसे बुरी तरह प्रभावित हुआ। 100 का, देखिए 100 का सही जो आंसर है वो है जूट तथा रुई उद्योग। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा, जूट तथा रुई उद्योग। और देखिए यहाँ पे नीचे जो है इसका सबका 100 क्वेश्चन अभी जो भी हमने लगाया उसका यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। तो आप यदि इसका पीडीएफ पढ़ते हैं तो नीचे इसका आंसर दिया हुआ है, आप यहाँ पे इसका आंसर मिला सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा वो जरूर बताइएगा कमेंट में आप लोग, और अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा और दोस्तों के साथ इसे शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। सो थैंक्स वॉचिंग दिस वीडियो।